जो है हॉल का काम भी चल रहा है और रोजी यहाँ पर है नहीं, वो 24 तारीख में आएंगे कहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, आपका स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ बाहर, तो दोस्तों गैस करना कि मैं कहाँ पर आया हूँ, और आप भी देख करके या फिर सुन करके खुश हो जाओगे जहाँ पर मैं आया हूँ। तो दोस्तों ब्लॉग में मैं बाद में बताऊँगा कि मैं कहाँ पर आया हूँ, और फिलहाल खड़ा हूँ मैं इस समय खजुराहो स्टेशन पर। तो आप देख सकते हो पीछे खजुराहो स्टेशन है और इधर खड़ी है एक मालगाड़ी। तो दोस्तों आप देख सकते हो सामने जो है खजुराहो स्टेशन है, और इसी खजुराहो स्टेशन पर मैं इस समय खड़ा हूँ। तो आप देख सकते हो खजुराहो स्टेशन कुछ इस प्रकार का दिखता है दोस्तों। तो मैं जो हूँ आज आया हूँ दोस्तों बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम जब दोस्तों आप आओगे तो आपको जो है इस स्टेशन पर आकर उतरना पड़ेगा। एक स्टेशन और है, आप वहाँ पर भी उतर सकते हो। तो दोस्तों मैं जो हूँ इस स्टेशन पर उतरा हूँ आकर के, आपकी चॉइस है। और एड्रेस का जो मतलब पूरा बायोडाटा है या ब्यौरा है वो आपको मैं ब्लॉग में कहीं पर भी दे दूँगा। और हाँ दोस्तों, मैं आया हूँ बागेश्वर धाम। तो अभी बागेश्वर धाम पहुँचा नहीं हूँ, अभी फ़िलहाल मैं स्टेशन पर हूँ। यहाँ पर जो है मतलब मैं नहा लिया हूँ इन्हीं टंकियों पर। यहाँ पर जो है नहाने की, धोने की और फ्रेश होने की सब सुविधा है। तो अगर आप लोग आओगे तो आपको भी यहाँ पर हर एक सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों आप अगर कहीं से भी आओ तो आपको इस स्टेशन पर आना होगा। आगे की जितना भी आगे का जितना भी सफ़र है, जितना भी कुछ है, वो मैं आपको सभी कुछ दिखाऊंगा। और वहाँ पर जाकर के कैसा लगता है, कैसा मन लगता है, किस तरीके का है, वो आपको सभी कुछ दिखाऊंगा। तो आप ब्लॉग के अंत तक बने रहना, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाला है आज का। तो ठीक है दोस्तों, बिना देरी करते हुए करता हूँ मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। बाहर की साइड से स्टेशन कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, आप देख सकते हो खजुराहो स्टेशन। तो बाहर की साइड में आ गया हूँ, तो बाहर की साइड से स्टेशन जो है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। और हाँ दोस्तों, जब आप आओगे तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी सवारियाँ मिल जाएंगी। तो इधर की साइड में और टेम्पो खड़े रहते हैं, आप जब भी आओगे तो यहाँ पर टेम्पो मिल जाएंगे। और यहाँ से बागेश्वर धाम तक का जो किराया है दोस्तों 50 रुपये है, और 50 रुपये से ज़्यादा ऊपर किराया ना दें। तो सब लोग जो है यहाँ पर 50 रुपये का ही किराया लेते हैं, अगर कोई फालतू लेता है तो वो गलत रहेगा। तो यहाँ से जो है 50 रुपये किराया मेरा लगेगा और मैं बैठ गया टेम्पो के अंदर। देख सकते हो हम आ गए हैं यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ भाड़ है भैया, पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी बैठते हैं, वो बड़ा दरबार है और इस बिल्डिंग की पीछे की ओर। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो और इधर देखिए कितनी भीड़ है। तो फिलहाल जो है इस समय भगवति बढ़ रही है, भगवति बढ़ने की वजह से जो है भीड़ ज़्यादा हो गई है, लाइनें लगी पड़ी हैं बहुत लंबी लंबी। और चलते हैं फिर आगे अंदर, दिखाते हैं आपको जा करके। और हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ काफ़ी है, और भगवति का वितरण हो रहा है इस समय। तो मतलब लाइनें लग रही हैं यहाँ पर, और जो जहाँ पर जो मतलब पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी, तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा दरबार और है, वो वहाँ पर ही बैठते हैं। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की और दिखाता हूँ आप लोगों को, ब्लॉग के अंत तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, जो सामने आप देख रहे हो ये है गौ सेवा समिति। तो आप देख सकते हो सामने ये गौ सेवा समिति है, और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और जो गुरुजी हैं मतलब काफ़ी प्रगति की ओर हैं, और गौ सेवा और काफ़ी सारी सेवाओं में मतलब अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आप देख सकते हो, तो सामने जो है गौ माता के लिए गौ सेवा समिति बनाई गई है। और हाँ देख सकते हो आप सामने दिव्य दरबार की जानकारी, गेट नंबर 1, उधर गेट नंबर 2, उधर है गेट नंबर 3। तो आप देख सकते हो दोस्तों आप देख सकते हो दरबार हॉल, जो अपने मतलब पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी हैं उनका जो दरबार है वो यहाँ पर ही लगता है। तो आप देख सकते हो, मगर वो कहीं बाहर गए हुए हैं, 24 तारीख को आएंगे। तो हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो पीछे जो है मतलब दिव्य दरबार है, आप सभी लोगों ने फ़ोन में देखा ही होगा।
जहाँ पर हमारे जो गुरुजी हैं, गुरुजी बैठकर अपनी कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों सामने वही हॉल है, तो आपको दिख रहा होगा दरबार हॉल लिख रहा होगा। तो अभी जो है हॉल का काम भी चल रहा है और गुरुजी यहाँ पर है नहीं, वो 24 तारीख में आएंगे, कहीं बाहर गए हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है बहुत सारी मार्केट है, काफ़ी लोग जो है घूमने के लिए आए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। और पीछे है गो सेवा समिति, तो आप देख सकते हो बैक कैमरे से कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है हॉल, और हॉल का भी जो कार्य चल रहा है। और यहाँ पर जो है एक लड़की ने इन व्यक्ति के जो है मतलब तिलक लगाया है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है सामने श्री बागेश्वर जन सेवा समिति निःशुल्क हर्बल चाय सेवा, तो यहाँ पर जो है निःशुल्क चाय मिलती है, तो कोई भी शुल्क नहीं लगेगा समिति की ओर से। जो है बागेश्वर जन सेवा समिति की ओर से जो है मतलब फ्री चाय दी जाती है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो काफ़ी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। इधर की ओर से मेन रास्ता है दरबार को आने के लिए, तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, और मैं इधर से रिटर्न जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं। सामने है मंदिर श्री बागेश्वर धाम, और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे नारियल बन रहे हैं। जो लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वो यहाँ पर जो है अपना गांठ बांध देते हैं, उसको बांध देते हैं नारियल को, और अपनी मनोकामना पाकर जाते हैं यहाँ से सभी लोग। तो सभी की मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। और आप सामने देख सकते हो ये लड़की बैठी हुई है, और इसके हाथ में जो है जंजीर बांध रखी है और ताला लगा रखा है। तो ये भी मतलब किसी समस्या में है, अपनी समस्या को लेकर के आए हैं, तो आप देख सकते हो ये देखिए। तो पीछे साइड में आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, और इधर की साइड में भी जो है मतलब श्रद्धालु अपने आराम से जो है आराम फरमा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सभी सुविधा है, और आप आओगे तो यहाँ पर आपको हर एक सुविधा मिलेगी। आप देख सकते हो पीछे भी आप देख सकते हो लोगों ने अपनी मनोकामनाएं मांग करके यहाँ पर नारियल बांधे हैं, और सामने जो है श्री बागेश्वर धाम मंदिर है, तो आप देख सकते हो। तो मैं मतलब दिव्य दरबार की बिल्कुल अपोजिट साइड में आ रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये देखिए यहाँ पर कितनी पब्लिक है, और मार्केट भी है यहाँ पर। तो यहाँ से जो है लोग बाग अपने अपने मतलब घर के लिए सामान खरीद के लेके जाते हैं निशानी के तौर पर, तो आप देख सकते हो। सीताराम 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 जपिए। और हाँ दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मार्केट है, और यहाँ पर दोस्तों भीड़ बहुत रहती है। और मैं मंदिर में घूमने आया हूँ और दर्शन भी कर लिए मैंने, तो आप देख सकते हो यहाँ श्री राम जी वाला है। देख ले कैमरे में तो बच्चे एक बार फोन में देखना, ये बच्चे ने जो है मोहर लगा दी है कैर पे हुए। हाँ ठीक। तो दोस्तों मैंने भी जो है मतलब अपने माथे पे श्री राम जी लिखवा लिया है, और छोटी सी बच्ची ने लिखा था। तो मैं घूम रही थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा क्यों ना लगवा ले बेचारे, ये बच्चे भी जो है अपनी रोजी रोटी के लिए घूमते रहते हैं। और चंदन का लेप लगा करके माथे पे बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा सुकून मिलता है। तो भाई मालिक के पुजारी हैं तो इतना तो बनता ही है। तो अब जो है मतलब यहाँ पर हम घूम लिए हैं, और अब देखते हैं यहाँ से ऑटो और निकलते हैं फिर घर। तो अब हम यहाँ से चल दिए हैं, तो आप देख सकते हो, और टेम्पो में बैठे हैं। और हाँ दोस्तों मैं वहाँ से घूमकर वापस आ गया हूँ। और हाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने एड्रेस तो बताया नहीं, तो मैं आपको एड्रेस बता दूँ। तो दोस्तों आप दिल्ली से आना, अगर अदरवाइज़ अगर आप कहीं और से आते हो
तो आपको एक ही स्टेशन पर आना, यहाँ पर खजुराहो स्टेशन। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से एक ट्रेन आती है 6:30 बजे, 6 या 6:30 बजे ट्रेन आती है खजुराहो के लिए, तो आप उस ट्रेन से आ सकते हो। उस ट्रेन का नंबर मैं स्क्रीन पे मतलब लिख दूंगा क्या नाम है ट्रेन का और क्या नंबर है। तो आप जो है मतलब वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप में आप सर्च कर सकते हो किस टाइम आपको ट्रेन मिलेगी। तो वो पहले दिल्ली से चलती है, दिल्ली चलने के बाद वो आती है फिर मथुरा, ग्वालियर और झांसी, झांसी के बाद आती है वो छत्रसाल स्टेशन, उसके बाद आती है खजुराहो स्टेशन। मतलब बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं बीच में, बट आपको खजुराहो स्टेशन पर ही उतरना है। जब आप खजुराहो स्टेशन पर आओगे तो यहाँ से जो है आपको काफ़ी सारे ऑटो मिल जाएंगे। तो बागेश्वर धाम तक के मतलब 50 रुपये लेते हैं वो, तो 50 रुपये का किराया आपका खजुराहो स्टेशन से लगेगा। तो आप यहाँ से ऑटो पकड़ सकते हो, ऑटो वाला बिल्कुल प्रॉपर आपको बागेश्वर धाम छोड़ेगा। और हाँ दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं इतना ही रहने देता हूँ। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपके लिए नए नए कंटेंट के साथ में ब्लॉग लाता रहूँगा। और आज का ब्लॉग मेरा इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों।